कि मंजू बना रही है एक नया ब्लॉग। वैसे ही आप तो मेरे पसंद नहीं करते, कोई फायदा नहीं है, फॉलो करो लाइक करो तो जो मर्जी करो। आज मैं आपको दिखाऊंगी मेहंदी लुक, आप हमारी मॉडल देख सकते हैं। तो मैम भी ब्लॉग बनाती है, मैम ने आज मुझे लाइट चली गई मेरी। गाइस मेहंदी लुक के लिए सिर्फ वेट क्या हो रहा है, ज्वेलरी वेटिंग में है, ज्वेलरी अभी तक आई नहीं है। मॉडल हमारी टाइम से है, मॉडल भी ब्लॉग बनाती है। मैम मैम ने नया चैलेंज शुरू किया, तो मैम को भी थोड़ा लाइक फॉलो कर लेना, जैसे मेरे को बहुत सारे, जैसे मुझे बहुत सारे करते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा एटीट्यूड आ गया था, मुझे लगा मुझे बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, मैं गलती थी, सॉरी। तो गाइस आज हम आपको दिखाएंगे मेहंदी लुक। वैसे आप लोगों को बड़ा इजी लगता है कि मेकअप लाइफ बहुत इजी होती है, तो सबसे डिफरेंट और डिफरेंट क्या डिफिकल्ट मेकअप आर्टिस्ट की लाइफ होती है। आई नो ये आप मानोगे नहीं, कोई बात नहीं, मेरा तो बोलने का फर्क है। तो हमारे सलमान बड़े बिजी हैं, सलमान आओ, आइए मैं अपना स्टूडियो दिखाती हूँ। यहाँ चल रहा है हमारी जो स्टूडेंट है वो आज एग्जाम दे रही है। आप दिखाओ बहन का मेकअप, बहुत ही, हमारी जो स्टूडेंट है उसने बहुत ही अच्छा मेकअप किया है, आप देख सकते हैं। तो देखते हैं आज तानिया किसको काट फाड़ रही है, चाकू मार रही है। तानिया का चल रहा है मेकअप, तो इसका भी हम लुक दिखाएंगे इसी ब्लॉग में। मैं आपको कितनी सारी चीजें दिखा रही हूँ, एक तो हमारी जो स्टूडेंट है उन्होंने मेकअप किया, मेहंदी लुक हो गया, और तान्या जो लुक दिखाएंगी तो आप देख के तर जाएंगे। तो गाइस शायद तुम्हारे और स्टूडेंट आ गए हैं, ये थोड़ा लेट है। हेलो हेलो, तो गाइस अभी हमारा सिर्फ ज्वेलरी के लिए वेट हो रहा है, जैसे ही ज्वेलरी आएगी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि हम क्या क्या करते हैं। दूसरे कैमरे भी ऑन हो चुके हैं। उधर देखो, ऊपर देखो, देखो ऊपर। हमारी ज्वेलरी आ चुकी है, बहुत ही अच्छी ज्वेलरी है, ये कलीरे हैं, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छे अच्छी ज्वेलरी भिजवाई है। हाँ रियल फ्लावर है, यहाँ बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, वैसे ना यूनिक बनाया इन्होंने। टीका है शायद, हाँ टीका है ये। तो देखते हैं हम कैसे अपनी मॉडल को रेडी करते हैं। ड्रेस पहन ली है, अब हम करेंगे हेयरडू। हमारी जो मैम इनके हेयर बहुत ही लॉन्ग है, बुरी है तो बुरी आएगी है। नहीं नहीं अच्छी शक्ल है, कौन कह रहा है बुरी है। नहीं नहीं ये पिंपल्स वगैरह तो दिखेंगे थोड़े बहुत, वो मेकअप की वजह से भी हो जाते हैं। हेयर भी स्टार्ट कर दिया सलमान ने, बड़ी मेहरबानी सलमान आपकी। मैं करना नहीं चाहता। अच्छा क्यों? मैं सिर्फ सोच रहा था मेकअप हो जाता उसके बाद करता। मैं मेकअप के बाद सलमान हमें ना थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि क्या लुक आएगा, तो हम सोचते हैं पहले हेयर हो जाएगा, क्योंकि मैम के बाल जो है ना वो बहुत बड़े हैं, तो मैं इसलिए भी सोच रही थी पहले हेयर हो जाए। क्योंकि एटलीस्ट वो अपने व्यूज बढ़ेंगे उससे, क्योंकि वो अपने भी तो उनको दिखाएंगे ना फिर। बहुत रेयर लोग हैं, वो बस सिर्फ मांग लेते हैं उनका। डिस्कशन कर रहे हैं पुनीत, एडवाइस कर रहे हैं हमें क्या कर सकते हैं। पुनीत वीडियो हमारे जो पुनीत है वो वीडियो एडिट करते हैं, हमारी वीडियो बनाते हैं, तो थैंक यू सो मच पुनीत। और यहाँ चल रही है हमारी मैम का शूट चल रहा है, ये हमारी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है आज, ये मॉडल है, ये स्टूडेंट नहीं है। ये हमारी स्टूडेंट है। हेलो गाइज, अभी भी हेयर डन नहीं हुए हैं, आप देख सकते हैं सलमान भाई कुछ ना कुछ किए ही जा रहे हैं, किए ही जा रहे हैं, किए ही जा रहे हैं। हाँ सलमान, एक्चुअली सलमान को इतने बड़े बाल मिले हैं ना, बाल
सलमान कुछ बोले, बस कुछ भी बन जाए वही तलाश है। कुछ भी बना देते हैं हम सलमान। हमारा हेयर ऑलमोस्ट डन है, अब हम मेकअप करेंगे। हम लगाएंगे विटामिन सी ऑयल, अच्छे से अप्लाई करेंगे मैम के फेस पे। आई बेस अच्छे से अप्लाई करेंगे दोनों आईज में। अब हम लगाएंगे कॉम्पैक्ट अच्छे से, दोनों आईज में कॉम्पैक्ट लगाएंगे। बेस लगाने के बाद अब लगाएंगे हाइलाइटर, हाइलाइटर से शुरू करेंगे, दोनों आईज में हाइलाइटर लगाएंगे। ऊपर की साइड जहाँ टी पॉइंट होता है, हम करेंगे आई मेकअप। हमने ब्राउन शेड लिया है, हम लेंगे डार्क ब्राउन, लाइट पिंक, क्योंकि मैम की जो ज्वेलरी है वो पिंक है और पिंक फ्लावर है। हमारा आई मेकअप डन होने वाला है, हमने लास्ट में कट क्रीज आई मेकअप दिया मैम को, कट क्रीज आगे हमने पिंक दिया है, बीच में हमने डार्क वो हाईलाइट किया है थोड़ा सा, जिससे आईज और अट्रैक्टिव लगे, क्योंकि मैम की जो आईज हैं वो काफ़ी बड़ी हैं। आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है, अब हम लगाएंगे लाइनर। लाइनर कंप्लीट होने के बाद लगाएंगे लैश। अब लैश लगा चुके हैं, अब हम करेंगे मस्कारा अच्छे से, दोनों आईज में मस्कारा करेंगे। पिंक टोन तो बहुत कम लोगों में होती है, मैंने बताया था पिंक टोन होती है फॉरेनर की। अब हम लगाएंगे ऑरेंज टोन सारे फेस पे, पहले कलर करेक्टर ऑरेंज टोन। ऑरेंज करेक्टर के बाद हम लगाएंगे D529 सुप्रा का, कैलॉन का, अच्छे से स्पंज करेंगे। तीन चार बेस लगाने के बाद अच्छे से हम स्पंज करेंगे आईज के नीचे, बेस अच्छे से मर्ज होना चाहिए, नेक पे एयर पे अच्छे से मर्ज करेंगे बेस। मैंने 2W भी यूज़ किया है अच्छे से, क्योंकि मैम का जो कलर है वो काफ़ी अच्छा कलर है, वाइट है, मैम का ब्लैक शेड नहीं है ना ही डार्क स्किन है, तो मैंने पिंक टोन भी दिया है मैम को, थोड़ा सा आईज के नीचे हाईलाइट किया है। और मैं फिर कहूँगी नेक कवर करें। अब हम करेंगे हाईलाइट आईज के नीचे, चिक्स पे कंटोरिंग अच्छे से कंटोरिंग करेंगे, क्योंकि जो मैम का जो फेस है वो काफ़ी गोल है, तो कंटोरिंग हम अच्छे से करेंगे जिससे जो मैम का फेस है वो पतला लगे। हमने बेस लगाया है, हमने कॉम्पैक्ट अच्छे से यूज़ किया है। कॉम्पैक्ट लगाने के लिए बाद अब करेंगे ब्लश ऑन। ब्लश ऑन हम लाइट ही लेंगे पिंक कलर का, जिससे मैम के चिक्स हैं वो काफ़ी अप लगे और फेस पतला लगे। अच्छे से मर्ज करेंगे कंटोरिंग को दोनों साइड से। अब लगाएंगे हम वाइट पेंसिल, हमने वाइट कलर का वाइट कलर की पेंसिल ली है आई में, क्योंकि मैम की जो आईज हैं वो बड़ी लगें। नीचे हम देंगे लाइट ब्राउन और थोड़ा सा डार्क शेड मिक्स करेंगे, पर्पल शेड, जिससे जो मैम का जो आई टोन है, जो आई मेकअप है वो अच्छा लगे। अब हम करेंगे हाईलाइट, हाईलाइटर चिक्स पे, नोज पे, लिप्स पे। अब हम लगाएंगे, अब हम करेंगे आईब्रोज। आईब्रोज मैंने आपको पहले भी बताया था, ज़्यादा डार्क भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा लाइट भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आईब्रोज मेकअप में एक मेन पार्ट होता है फिल करने के लिए। अगर आप आईब्रोज फिल नहीं करते तो मज़ा नहीं आएगा। अब हम करेंगे लिपस्टिक। लिपस्टिक हमने लाइट पिंक लिया है, इसको मैट करेंगे। मैंने आपको पहले भी वीडियो बताई थी मैट करने का तरीका। ऑलमोस्ट लिपस्टिक भी हमारी डन होने ही वाली है। हमारा
हमारा मेकअप डन हो चुका है, हेयर कंप्लीट होने वाला है, आप ज्वेलरी भी दे सकते हैं। ये रियल फ्लावर की ज्वेलरी है जो मैम को बनाई है हमने, वो रियल फ्लावर्स की ज्वेलरी है, ये स्पेशली बनवाई जाती है। किसी को भी मेकअप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, या आपको क्लासेस लेनी हो, या आपको ब्यूटी वर्क में कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो आप मुझे डीएम। थैंक यू सो मच इतने सारे प्यार के लिए।